हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये भी जेंडर प्रेडिक्शन की वीडियो है और आपको टाइटल देके पता लग ही गया होगा कि जो पेट पर पड़ने वाली लाइन, जिसे लीनियर नाइग्रा भी कहा जाता है, उसको देखकर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, अजम्पशन लगा सकते हो कि आपके क्या होगा। देखो, पेट पे हर किसी की लाइन पड़ती है। किसी की छोटी होती है तो किसी की बड़ी लाइन होती है, किसी की सीधी होती है तो किसी की आड़ी टेढ़ी होती है। हर एक लाइन का अपना ही कुछ ना कुछ कहना होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये आपकी बॉडी में, जैसे प्रेगनेंसी में आपका पेट बढ़ रहा है, उस अकॉर्डिंग आपकी लाइन बन गई। तो देखो, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में हॉर्मोन चेंजेस होते हैं। हॉर्मोन चेंजेस की वजह से वो जो लाइन होती है वो धीरे 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 करके डार्कर हो जाती है और एक तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ी और काले की दिखाई देती है। कई बार ये लाइन लाइट भी होती है, जरूरी नहीं काली ही होगी, बट कई बार ये लाइन जो है वो लाइट भी होती है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है, आप बच्चा डिलीवर कर देते हो, उसके बाद ये लाइन जो है एकदम लाइट हो जाती है, बट आपके पेट पर ये लाइन बनी रहती है। और एक तरह से ये आपकी माँ बनने की खुशी होती है कि हाँ, जिंदगी भर के लिए आपकी छोटी सी जो ये लाइन है पेट की, वो आपको एज अ गॉड गिफ्ट मिलती है। तो इसके थ्रू आप कैसे पता लगा सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ छोटी लाइन, जिसके पेट पे छोटी लाइन बनती है। पेट पर छोटी लाइन आपके बनना मतलब आपकी जो नीचे वजाइना से लेकर आपके नाभि तक एक लाइन बनना, वो ज़्यादातर मोस्टली जो है वो लड़कियों में देखा गया है। बट मैं एक और बात क्लियर कर दूं, वो लड़कों में भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो लड़कियों की लाइन होती है वो आपके थोड़ी सी टेढ़ी होगी, वहीं जो लड़कों की टाइम आपकी लाइन होगी वो सीधी होगी। आपका जो बेबी बॉय है, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो अपर कैरी करती हैं बच्चा, लोअर में जो है वो बेबी बॉय रहता है, बट अपर पार्ट में आपकी बेबी गर्ल रहती है। बट जब मैं लाइन की बात करूँ तो आपकी लाइन तभी ऊपर तक बनती है जब आपने बॉय कैरी कर रखा होता है। आप अपना पेट अगर मिरर में देखेंगे, आपको दिखेगा अगर आपके नाभि के ऊपर तक लाइन है और वो लाइन एकदम स्ट्रेट है, लाइक आपके बिल्कुल भी कहीं मुड़ नहीं रही, टूट नहीं रही है और रुक नहीं रही है, तो आप समझ जाओ आपके बेबी बॉय होगा। मगर अगर ये लाइन आपकी आधी है, पेट तक आधी है या फिर ऊपर तक तो जा रही है, लेकिन एक मैं आपको दिखा दूंगी पिक, उसको देखकर आपको अजम्पशन मतलब आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आपकी सीधी जाएगी, बाद में मुड़ जाएगी और वो साइड से सीधी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गर्ल्स के टाइम पे होता है। बॉय के टाइम पे एकदम सीधी लाइन होती है, थोड़ी डार्कर इन शेड होती है, थोड़ी सी डार्क होती है। तो ये चीज़ें आपको है इजिली पता लगा देती हैं कि आपके लड़का होगा या लड़की। अब ये बात करिए तो एक और मैं आपको सिम्टम बता देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको लोअर हिस्से में हमेशा बॉय कैरी करते हो, क्योंकि देखो जो बॉय होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की पैदा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। आपको आपकी बॉडी जो है एकदम हेल्थी फील नहीं कर पाते आप, और कहीं ना कहीं आपको हल्की हल्की बीमारियाँ लगती रहती हैं। उस चक्कर में आपको जो बॉय है वो भी नीचे की तरफ आप कैरी करते हो, और बहुत हद तक ऐसा तो होता है कि अगर आपकी 40 वीक्स के पहले डिलीवरी हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा बॉय के सिम्टम होते हैं। लड़कियों के बारे में टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, तो ये चीज़ें भी आप इजीली देख के पता लगा सकते हो। तो चलो, ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो मैं आपको बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।